एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, उसकी वैल्यू है मान लीजिए 5, तो अगर इससे हमें किसी नंबर को कंपेयर करना हो तो ऐसे में हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो इसका हम सीधे फ्लो चार्ट पर बात करते हैं, फ्लो चार्ट समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर को हमें रीड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पैलोग्राम बनाएंगे इसके लिए। यहाँ लिखेंगे रीड द वैल्यू इन ए। अब ए में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 23 हो सकती है, 87 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और हम मान के चल रहे हैं कि अगर ए में जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, एक एग्जाम्पल लिया हमने, अगर वो नंबर ए से बड़ा है यानी ए की जो वैल्यू है 5 से बड़ी है, तो हमें प्रिंट करना होगा ए इज़ बिग, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे ए इज स्मॉल। हम यहाँ पर ए इक्वल टू 5 वाली कंडीशन नहीं ले रहे हैं, यानी कि अगर हम ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू 5 नहीं होगी, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर डिसीजन हमें लेना होगा। अब डिसीजन हमें लेना है तो या तो उस ए की वैल्यू बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डिसीजन बॉक्स जिसको हम डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं वो यहाँ पर ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर इफ ए इज ग्रेटर देन 5। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता है जो भी होगी, और हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो ये बात हो सकता है सही हो और ये बात हो सकता है गलत हो। तो अगर ये बात सही है ट्रू है तो यस, और अगर ये बात गलत है तो नो। अगर ये बात सही है तो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, हम प्रिंट करेंगे हम ए इज बिग, ये प्रिंट करेंगे। और अगर ये बात सही नहीं है यानी कि ए की वैल्यू 5 से छोटी नहीं है, सॉरी ए की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट ए इज स्मॉल। ठीक है, इसको आप इस तरह से बनाएंगे कि ये यहाँ पर टच हो और ये दोनों एक लेवल में हो। अब दोनों ही कंडीशन में हमें कुछ और तो काम करना नहीं है, हमें सिर्फ एंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दो बार एंड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट एक बार लिखा है तो एंड भी एक ही बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे और इसके सेंटर से एक एरो निकाल कर हम ये लिख देंगे एंड। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए कि अगर ए की वैल्यू जो भी है अगर वो बड़ी है, ये बात सही है, तो हम प्रिंट कर देंगे ए इज़ बिग, और अगर ये बात सही नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे ए इज़ स्मॉल। यहाँ थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप ध्यान से इसको बना लीजिएगा। और जो भी कंडीशन होगी, या तो नो वाली या यस वाली, फाइनली हम पहुँच जाएंगे एंड पर, क्योंकि एरो यहाँ पर आ रहा है तो हमें यहीं पर आना होगा, यहाँ से ऊपर हम जा नहीं रहे हैं कहीं पर भी। तो ये जाकर फ्लो चार्ट बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।